गुजरात टाइटंस की आईपीएल टीम में वापस आने को लेकर सुरेश रैना ने पुष्पा का फेमस डायलॉग पर दिया है रिएक्शन। रैना बोले हैं, मैं हूं मिस्टर आईपीएल, झुकेगा नहीं साला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके4 के करो नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सुरेश रैना की गुजरात टाइटंस की टीम में जेसन रॉय की जगह वापसी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सुरेश रैना की यह पूरी खबर। दोस्तों, आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद पहली बार सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन दिया है। रैना ने पुष्पा स्टाइल में फोटो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, फायर है, मैं झुकेगा नहीं। मेगा ऑक्शन में रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन पर दांव नहीं लगाया है। अब इसी बीच अटकने लगाई जा रही है कि गुजरात टाइटन्स सुरेश रैना को अपनी टीम में हिस्सा बना सकती है। रैना के फैंस ने उन्हें गुजरात टीम में शामिल करने के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए ट्विटर किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन 3 कारणों की वजह से गुजरात टाइटन्स का हिस्सा बन सके हैं सुरेश रैना। दोस्तों, पहले कारण की बात करें तो इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय ने आईपीएल 2022 से हटने का ऐलान कर दिया है। वह गुजरात टाइटन्स का हिस्सा थे। उन्होंने लंबे समय तक बायो बबल में नहीं रहने के कारण यह फैसला लिया है। टीम फ्रेंचाइजी उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर रैना को टीम का हिस्सा बना सकती है। रैना को टीम ने बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में वापस लेने का फैसला कर सकती है। वहीं दोस्तों, हम आपको बता देंगे, जेसन रॉय को भी गुजरात टाइटन्स टीम ने बेस प्राइस 2 करोड़ पर ही खरीदा था। वहीं दोस्तों, दूसरे कारण की बात करें तो गुजरात की टीम में कप्तान हार्दिक पांड्या के अलावा शुभम गिल, डेविड मिलर, मैथ्यू वेट, रिद्धिमान शाह, साई दुर्शन, अभिनव सतरंगी जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम के बैटिंग ऑर्डर में एक भी अनुभवी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है। ऐसे में टीम फ्रेंचाइजी बैटिंग लाइनअप को मजबूत करने के लिए रैना को अपने साथ जोड़ सकती है। वहीं दोस्तों, तीसरे कारण की बात करें तो आईपीएल में सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 205 मैच खेले हैं और 32.51 की औसत के साथ 5528 रन बनाए हैं। इनमें 1 शतक और 39 अर्धशतक भी शामिल है। रैना आईपीएल के इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शुरुआती 12 सीजन में हर बार 300 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और उन्होंने 4 आईपीएल ट्रॉफी भी जीती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुरेश रैना आईपीएल में 2 साल गुजरात लायंस के लिए बतौर कप्तान खेल चुके हैं। 2016 और 2017 में जब राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग टीम को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में 2 साल के लिए बैन झेलना पड़ा था, तब गुजरात लायंस की टीम 2 साल के लिए इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आई थी और रैना टीम के कप्तान थे। तो दोस्तों, आज की अपडेट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि सुरेश रैना की गुजरात टाइटन्स टीम में जेसन रॉय की जगह वापसी करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।